संभल सदर पहुंचे डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने लाल टोपी पर चल रही सियासत को लेकर कहा कि टोपी के रंग बदलते हैं। भाजपा के 300 एमएलए में से 100 एमएलए ऐसे हैं जिनकी लाल और हरी टोपी है। उन्होंने भारत सरकार से मांग की है कि सरकार तबलीगी जमात पर प्रतिबंध लगाए। सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे हिंदुओं के घर लुटवाने वाला और भारत को अफगानिस्तान बनाने का रास्ता खुला दे रहे हो, इसलिए उलेमा हिंद तबलीगी जमात पर प्रतिबंध लगाएं। ओबीसी और डॉक्टर वर्क जैसे मुस्लिम नेताओं पर बोलने से इनकार करते हुए कहा कि हिंदू हूं और हिंदू की बात करूंगा। राहुल गांधी के हिंदू हूं हिंदुवादी नहीं के बयान पर भी जमकर बोले। कहा कि अब भाजपा के झंडे में एक तिहाई हरा आ गया है और आने वाले समय में सभी भगवा हो जाएंगे और देश आर्थिक समृद्धि की ओर बढ़ेगा। वह हिंदुवादी नेता डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने मुसलमानी की तुलना राक्षसों से की है। इसके अलावा किसान आंदोलन में 700 किसानों की मौत पर सरकार से प्रति किसान 1 करोड़ रुपए मुआवजे की मांग की है। वहीं प्रवीण तोगड़िया ने और कुछ क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। धरती पर 100 करोड़ हिंदुओं की कत्ल हुई, मानिए राक्षस वह जो भगवान के बेटे हिंदुओं की कत्ल करते हैं, यदि वो हमारा धर्म नहीं छोड़ते तो उनके मंदिर तोड़ते हैं, गाय की हत्या करते हैं, तो 7वीं शताब्दी तक यूरोप क्रिश्चियन हो गया, तब तक ईस्वी 620 में मक्का की धरती पर मोहम्मद पैगंबर ने मक्का का शिव मंदिर तोड़कर वही काम शुरू किया और जापान के नजदीक मलेशिया से लेकर भारत से लेकर यूरोप के स्पेन तक हाहाकार मच गया और ये लड़ाई में भारत की धरती पर हमारे 50 करोड़ पुरुषों ने बलिदान दिया, दुनिया भर में हिंदू मिट गया, भारत में हिंदू मिटा नहीं। हम 100 करोड़ हैं, दुनिया में 181 देश हैं, एक भी देश में 20 करोड़ से ज्यादा मुसलमान नहीं है, एक भी देश में 20 करोड़ से ज्यादा क्रिश्चियन नहीं है, हम भारत में 100 करोड़ है। बोलो 100 करोड़ विजेता संख्या है या नहीं? इसलिए दुनिया में नामो निशान मिट गया, हम यहाँ बच गए। पर ये जंग किसके बीच है? भगवान के, धर्म के, हमारे पुरखों के शत्रु राक्षस और भगवान और हमारी पुरखों की परंपरा, हमारी बहन बेटियां घरों की रक्षा करने वाले हिंदुओं के बीच है। आज की स्थिति क्या है? अभी भारत सरकार का रिपोर्ट आया है कि देश की जनसंख्या वृद्धि दर 2 हो गया। उनका क्या, एक पति पत्नी के वजह 2 बच्चे, तो देश में 140 करोड़ जनसंख्या है, तो 10 साल के बाद 50 साल के बाद 140 करोड़ रहेगी। लोग खुश है, जनसंख्या स्थिर हुई, संसाधन बढ़ेगा, विकास होगा। मैंने कहा हिंदुओं तुम्हारा सत्यानाश है। कैसे? देश की एवरेज जनसंख्या वृद्धि दर 2 है, हिंदुओं का कितना? 2.5। मानो 5 लोग विवाह करते तो पति पत्नी मिलकर 10 होंगे ना, तो 10 में से 4 को 2-2 बच्चे तो 8, 1 को बच्चे पैदा होते ही नहीं, तो 5 के 8 बच्चे मानी 10 लोगों के 8 बच्चे, तो बोलो संख्या घटेगी या नहीं? सृष्टि बनी तब से हमारी जनसंख्या बढ़ रही थी, अब घटने के सर्वनाश के कगार की ओर बढ़ रहे हैं और अगले 50 वर्ष के बाद भारत में हिंदू 100 करोड़ से घटकर 50 करोड़ होगा। मुसलमानों की जनसंख्या वृद्धि दर 2.5 है, मानी 2 मुसलमान 2.5 बच्चे पैदा करते हैं, उनकी जनसंख्या बढ़ेगी, वो 20-25 करोड़ है, वह 60 करोड़ हो जाएगा। बोलो देश में 60 करोड़ मुसलमान और 48 करोड़ हिंदू। सर जनसंख्या नियंत्रण पर क्या कुछ कहेंगे सर आप? केंद्र सरकार को तत्काल जनसंख्या नियंत्रण का कानून बनाना ही चाहिए, तुरंत बनाओ, वरना भारत में हिंदू अल्पसंख्यक होकर भारत अफगानिस्तान बनेगा। संभल को अफगानिस्तान नहीं बनाना है, मेरठ मुरादाबाद बिजनौर को यदि अफगानिस्तान नहीं बनाना है तो 2 से ज्यादा बच्चे पर प्रतिबंध लगाने का केंद्र सरकार कानून बनाए। और मैं देश के हिंदुओं को कहूंगा कि ये चुनाव के दौरान पूछो 2 बच्चे का कानून बनाया, पूछो किसानों को फसल के दाम दिए, पूछो काशी मथुरा के कानून बनाए। हम लोकतंत्र में दबाव बनाएंगे तो सरकारें काम करती हैं, हम दबाव बनाने का काम करें, सभी दलों पर करें, एक नहीं सब पर करें।
लाल टोपी पर लगातार सर सियासत हो रही है, लाल टोपी पर लगातार सियासत हो रही है। जेपी नड्डा जी ने भी कहा था अभी हाल ही में कि लाल टोपी भगवा टोपी हो जाएगी, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? अरे भाई, टोपी टोपी होती है, टोपी के रंग बदलते हैं। वीर बदलेंगे। और आज के भाजपा के 300 ML में 100 ML तो ऐसे हैं जो लाल टोपी हरी टोपी उनमें से आए हैं।